और मैं। यहाँ बन रहा है नया घर, यह है नेगी गुड़िया। यहाँ ग्राउंड, यहाँ हम लोग पहले पहले क्रिकेट खेलते थे। ये है अपना अंकल का घर, अपना पुराना रूम जहाँ पर हम लोग यहाँ रहते थे। ये और विधिया ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, तो क्या करें, रास्ते में कोई लोग भाग नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो है ग्राउंड, यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। पास नहीं कर रहा, धीरे धीरे पार कर रहे हैं। आगे आपको तालाब दिखेगा। ये देखिए हम लोग तालाब के पास पहुँचे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ तो मछली पकड़ रहे हैं यार, मछली पकड़। इस लॉकडाउन में इतना सारा भीड़, ये देखिए एक सौ बारह वाले भी पहुँच चुके हैं इन लोगों को भगाने के लिए। अब दोस्तों लॉकडाउन का भी पालन करना ज़रूरी है। ये रास्ता ले जाएगा आपको जगदलपुर, और इधर जाएंगे अपना कुड़कनार। ये है भाटागुड़ा, तो हम लोग जा रहे हैं इधर से बस्तर गैस भराने। दोस्तों आपको राइट साइड में जो फार्म हाउस दिख रहा होगा ना, मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है जब इधर से गुजरता हूँ ना, उसको एक नज़र देखता जरूर हूँ। इधर आम पेड़ भी लगे हुए हैं, बहुत आम फला है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं ये पुल के पास। इधर से नेगी गुड़ा डुरकी गुड़ा जा सकते हैं लेफ्ट साइड से, और सीधा जाएंगे बस्तर कुड़कनार। और ये है इस पुल का नाम, कुड़कनार पुल। ये रहा कुड़कनार पुल जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। ये रहा ऊपर का दृश्य, और ये पीछे का। यहाँ पर हम लोग कभी कभार जब लाइट वाइट नहीं रहता था तो नहाने आते हैं कभी कभार, बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन बहुत देर तक नहाते हैं, एक दो घंटा तक। अब दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं आगे, आगे वाला गांव कुड़कनार। कुड़कनार है लेकिन यहाँ पर बोर्ड में कुड़कनार लिख दिए हैं, मिस्टेक। और यहाँ पर बैठता है मंगलवार को बाजार, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस बार नहीं लग रहा है। यहाँ से हम लोग सुखसी चिंगड़ी साग सब्जी और टिकर फाक खरीद के ले जाते थे। अब हम लोग पहुँच चुके हैं चौक में। इस चौक से लेफ्ट साइड में आपको ले जाएगा घाट कौली बस्तर, उधर से भी बस्तर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग राइट वाला रास्ता अपना चुके हैं। ये रहा तालाब कुड़कनार का, कुड़कनार का तालाब का फूल देखो ना, कमल फूल, बुढ़ेंदा फूल बोलते हैं, बहुत ही मस्त लग रहा है देखने में, एकदम वाइट और हल्का गुलाबी कलर का, बहुत ही मस्त दिख रहा है कमल फूल, एक प्रकार से कमल फूल ही कहा जाएगा। देख रहे हो आप पूरा तालाब के अंदर बीचों बीच किनारे में नहीं है कि नहीं, तो एक आध तोड़ के ले जाते, अब क्या करें, तोड़ नहीं सकते दूर में है तो। ठीक है दोस्तों, जा रहा हूँ बस। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कवि आशना ग्राम में। यह स्कूल है, ये गांव यहाँ का, ये पे इसके जस्ट पीछे पंचायत है। बहुत अच्छा गांव है ये भी, कवि आशना। शायद पहले यहाँ कवि लोग रहते थे होंगे,
पुराने ज़माने में, तब जाके गांव का नाम कबियास में पड़ा। वो भैंसा मना रहे हैं इधर से। फिर हम लोग कभी आशना पार करके, ये दुकान है आम चौक गाँव, दुकान बहुत अच्छा लिखा है आया परदेशी। अब ये गांव से आगे बढ़ते हुए हम लोग धीरे धीरे सामने के माता लोग सब्जी रखते हैं, देखिए ना बहुत अच्छा। इधर बाड़ी भी है इन लोग का, इसलिए सामने में सब्जी रखते हैं। उस दिन मैं गांव से आ रहा था तब भी मैं यहीं से सब्जी ले गया। बहुत ताज़ा सब्जी मिलेगा यहाँ आपको। अब हमको बस्तर जाने के लिए सामने दो रास्ते मिल गए, एक राइट साइड में वो भी ले जाएगा बस्तर, ले जाएगा बस्तर हाट पास निकालेगा, एक इधर से भी शॉर्टकट रास्ता है, हम लोग यही रास्ते से जाएंगे। अब अच्छा रास्ता है, मज़ा आता है ऐसे रास्ते में बाइक चलाना, खड़ पैरा भी बोलते हैं। आमा मुँह खुला यार, क्या करे पका नहीं कि नहीं तो खा देते, मज़ा आता था। राइट साइड में जो देख रहे हैं आप, वो ये गांव का नाम है टिकरा लोहंगा। ये टिकरा लोहंगा से भी बीच से रास्ता है, लेकिन हम लोग लेफ्ट साइड जिस रास्ते में जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ता है, करीबन 200-300 मीटर का। अब हम लोग टिकरा लोहंगा के लास्ट छोर पे पहुँच चुके हैं। आगे का रास्ता तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, वीडियो पे बने रहिए। अब हम लोग टिकरा लोहंगा पार कर चुके हैं, बस कुछ ही दूरी बचा हुआ है बस्तर पहुंचने के लिए। बारिश के टाइम नहीं, इधर का रास्ता में पूरा पानी भरा रहता है, मौसम होकर चलना पड़ता है, नहीं गिर जाओगे ना फिर हो जाओगे पीले। आगे दो रास्ता दिखेगा, एक ले जाएगा लेफ्ट साइड कोलचूर होते हुए उधर अपना टाकरागुड़ा निकलेंगे, टाकरागुड़ा से बस्तर आईटीआई जस्ट सामने हाईवे रोड में निकलेंगे। लेकिन हम लोग उधर नहीं जाना है, हम लोग जाएंगे राइट साइड वाले रास्ता में, जो ये रास्ता निकलेगा आपको चिड़ी पदर, सामने वाला गांव चिड़ी पदर बोलते हैं। चिड़ी पदर के आगे जो है हाईवे रोड, वहाँ निकलेंगे। ये बिल्डिंग के आगे में दिखेगा संस्कार द गुरुकुल स्कूल का गेट, ये रहा गेट। संस्कार स्कूल एक इंटरनेशनल स्कूल है, यह स्कूल चिड़ी पदर में स्थित है, बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। दोस्तों अब हम हाईवे रोड पर पहुंच चुके हैं, ये रास्ता जाएगा जगदलपुर और ये इधर ले जाएगा हमको रायपुर डायरेक्ट। तो हमें रायपुर तो नहीं जाना है दोस्तों, हम लोग को जाना है बस्तर। तो हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे बस्तर की ओर। ये रहा अपना यहाँ का पुल, ये यहाँ का बाड़ी और आगे का गांव आपको दिखाऊंगा। ये गांव है परचनपाल, ग्राम परचनपाल। यहाँ पर एक नवीन कन्या स्कूल भी है राइट साइड में, ये ग्राम पंचायत परचनपाल। आपको दिखेगा यहाँ पर बस्तर के लोग हस्तशिल्प मूर्तियाँ बनाते हैं, लकड़ी का और पत्थर का, बहुत ही अच्छा रूप दे देते हैं।
यह रहा अपना 240/220 KV। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक डबरा, यहाँ पर माता हिंगलाजी मंदिर है और राइट साइड मंदिर आपको दिख जाएगा, जय माता दी। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे एक रास्ता मिलेगा लेफ्ट साइड में। इस रास्ता जब मैं आईटीआई कर रहा था ना, तब इधर से आता था मैं आईटीआई क्लास अटेंड करने के लिए। और एक आगे भी रास्ता है लेफ्ट साइड में, उधर से भी आते थे कभी कभार। ये रहा राइट साइड में आपको गेट दिखेगा आईटीआई का, और रहा गेट आईटीआई का। 2013-14 में भी आईटीआई कर रहा था इसी बस्तर में, तो बहुत अच्छा साल रहा। और ये राइट साइड में यहाँ पर भी गेट है। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा टाकरागुड़ा जाने का रास्ता, ये रहा टाकरागुड़ा जाने का रास्ता। ये रहा पेट्रोल पंप। और दोस्तों आगे हम लोग पहुँचने वाले हैं देवरगांव चौक। देवरगांव चौक पहुँचने वाले हैं यार, ये रहा घर के अब्बात। पहुँच गए राइट साइड में करला कुंटा जो अपना समीर दादा रहता है, और लेफ्ट साइड में देवरगांव जहाँ अपना लिंगेश्वर कश्यप रहता है, अपना मित्र। अब हम लोग पहुँच चुके हैं गैस एजेंसी के पास। गैस एजेंसी गैस की गैस हम लोग यहाँ पर परचेज कटाएंगे, फिर जाएंगे गैस करने। एक आगे पीछे देख। दोस्तों परची उर्ची कटा के हम लोग जा रहे हैं गैस सिलेंडर लेने को दाम में, एचपी गैस का है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपना टंकी का, पेट फूल गया है अभी, खाली था थोड़ा। और इससे अब हम लोग जा रहे हैं टाकरा बुला रस्ता में सुझा, और मैं ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भली का हाथ था, याद है हम लोग आई टी आई टाइम में यहाँ पर अगर पानी आ रहा था बहुत, तो यहाँ पर हम लोग आश्रम पेड़ में जाते चार खाते था मैं। ये वाला पेड़ में हम लोग आते थे और चार खाते खाते आई टी आई जगह करते थे। बस्तर टाकरा बूढ़ा बोलते हैं इसको, और एक टाकरा बूढ़ा वो आगे होता है चित्रकूट रोड में, इसका जुड़वा। ये रहा तालाब, तालाब में के टाइम में सेना लोग यहाँ रहते थे, जो कि लेफ्ट साइड से जो रास्ता ले जाएगा वही रास्ता में है हम लोग का घर, वहीं से आईटीआई में अप डाउन करता था। लेफ्ट साइड एक नाला है, वहाँ से हम लोग पानी ले जाते थे डेली सुबह शाम, और कभी कभी यहीं पर नहाते थे। एक राइट साइड में जिक्रा होगा ये बाड़ी, ये गुरजी का है, बोरवेल है, उसके आगे तालाब है, तालाब के आगे एक नल है, वो नल में भी नहाते थे कभी कभार हम लोग, और तालाब में भी छोटे छोटे दिन कपड़ा धुंध लाते थे। इस साल भर में यहाँ पर बहुत कुछ यादें छोड़ के चला गया मैं, बहुत कुछ यादें आज भी याद आती है वो बातें। ये टाकरागुड़ा में बहुत कुछ यादें छोड़ गए, और आगे एक पुल मिलेगा, पुल के लेफ्ट साइड में ना आम का पेड़ लगा हुआ था, वो पेड़ में हम लोग आते थे और आम खाते थे गर्मी के सीजन में, मज़ा आता था। लेकिन मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।